पितृपक्ष के समय हर साल पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। यह साल का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है जब परिवार के दिवंगत लोगों को याद किया जाता है। यह समय कुल 16 दिनों तक चलते हैं, लेकिन इस बार 15 दिन तक रहेगा। इस समय पिंडदान, श्राद्ध और पितृ तर्पण जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि इस समय में पितरों को तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने बताया है कि इस समय कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई दें तो समझें कि पितृ प्रसन्न है। पहला जो श्राद्ध पक्ष है, हम पितृ पक्ष भी कहते हैं, 16 दिन का श्राद्ध पक्ष रहता है, लेकिन इस बार ये 15 दिन का श्राद्ध पक्ष रहेगा। और इस श्राद्ध पक्ष में यदि हम हमारे पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, विभिन्न प्रकार के दान पुण्य करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी, हमारे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और इसके साथ हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न है, इसके क्या संकेत हैं? तो जो हमारे शास्त्रों में संकेत बताए गए हैं, उन संकेतों की हम चर्चा करते हैं। यदि पितृपक्ष में हम प्रतिदिन या अधिकतर काली गाय को देख पाते हैं, काली गाय के दर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न हैं। हम पितरों के निमित्त जो कौए की बलि निकालते हैं, यदि कौए आकर के उस बलि को ग्रहण कर रहे हैं या हमारी छत पर पितृपक्ष के दौरान कौए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे पितृगण जो है वह हमसे प्रसन्न है। गाय यदि हमारे दरवाजे पर आकर के इन पितृपक्ष में रंभा रही है, हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न है। इसके अतिरिक्त काली चींटी का दिखना, सपने में पूर्वजों का दिखना, स्वप्न में पूर्वजों के द्वारा हमको आशीर्वाद देना, यह सब जो है यह हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न है, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे लिए सुख शांति की कामना कर रहे हैं, इसके संकेत हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, इन 16 दिनों में यह पितृपक्ष है, इन पितृपक्ष में हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे पितृगण प्रसन्न हो, जिससे वह हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। वह पुत्र धन देते हैं, गोधन देते हैं, संतान का सुख देते हैं, भूमि भवन संसार के जितने प्रकार के सुख हैं, वह सारे सुख हमको पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकते हैं। और यदि हमारे पितृगण असंतुष्ट हैं तो उसके विपरीत फल की हमको प्राप्ति होती है।